दोस्तों मार्केट में हाइप मचा हुआ था कि Realme S LED TV लेके आ रहा है और आज फाइनली Realme ने लॉन्च कर दिया है उसकी S LED TV और उसमें एक ही वेरिएंट रखा गया है 55 इंच का जो हमें पहले से ही पता था। और यहाँ पे आज मैं इसकी डिटेल्स के बारे में बात करूँगा, क्या है स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो होने वाला बहुत ही धमाकेदार, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डरना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें Realme के S LED TV के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ प्राइसिंग से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है 40,000 रुपीस Realme की तरफ से और उसके बाद आपको ये 43,000 रुपीस में ये टीवी मिल जाएगी अगर आप सेल में नहीं लेते हो तो। और यहाँ पे बात कर ले सबसे पहले जो एस एल ई डी टर्म है वो है क्या। तो एस एल ई डी टर्म बेसिकली एक बैकलाइटिंग अरेंजमेंट है। अभी तक बाकी सब टीवीज में आपको सिर्फ ब्लू लाइट प्रोड्यूस की जाती थी बैकलाइटिंग के थ्रू और यहाँ पे एस एल ई डी में RGB ये रेड ग्रीन ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो प्रोड्यूस की जाएंगी, एमिट की जाएंगी। और यहाँ पे जो आंखों पे जो आपके स्ट्रेन आता है या फिर जो प्रेशर पड़ता है जब ज़्यादा टाइम तक आप वो टीवी देखते हो वो आपको इस टीवी में कम मिलने वाला है। तो यहाँ पे Realme ने कस्टमर का यहाँ पे हेल्थ का भी ध्यान रखा है। यहाँ पर इस टीवी को TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। और बात करें इस टीवी के डिस्प्ले के बारे में, तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, तो यहाँ पे आपको व्यू एंगल्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे इस टीवी में। और डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई है, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, 8-bit FRC पैनल है, मतलब यहाँ पे आपको 1 मिलियन से भी ज़्यादा कलर देखने मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो वाइट कलर गैमेट 108% NTSC को सपोर्ट करता है। बात कर ले टीवी के ब्राइटन निट्स के बारे में, तो इस टीवी में आपको 400 निट्स की ब्राइटन निट्स दी गई है। और कंट्रास्ट रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 4000:1 का कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है जो कि एक स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो है। बात करें टीवी के पिक्चर इंजन के बारे में, तो यहाँ पे क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन दिया गया है। इसी के साथ ही साथ आपको HDR, HDR10, HLG सभी का सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। बात कर ले यहाँ पे टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो ये टीवी आती है 24W के साउंड आउटपुट के साथ। इसी के साथ ही साथ डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। बात कर ले टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है। 1.5GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बात कर ले कुछ यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो जो प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ जो मेजर कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं जैसे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, ये आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो रिमोट दिया गया है इस टीवी में उसमें आपको कुछ डेडिकेटेड कीज़ भी देखने मिल जाएंगी, जैसे कि Netflix का बटन दिया गया है, Prime Video का बटन दिया गया, YouTube का बटन दिया गया। और जब मैं रिमोट की बात कर रहा हूं तो Google असिस्टेंट को मैं कैसे भूल सकता हूं। इस टीवी में आपको ब्लूटूथ का वॉइस एनेबल रिमोट भी देखने मिल जाएगा। और बात कर ले यहां पे कुछ पोर्ट्स के बारे में, तो यहां पे 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। ब्लूटूथ दिया गया है 5.0 वाला, डुअल बैंड वाईफाई भी दिया गया है इस टीवी में। और यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड पोर्ट्स होते हैं वो सभी के सभी आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग हेडफोन जैक। इसी के साथ ही साथ आपको इस टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें कुछ इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में इस टीवी के, तो यहाँ पे ये टीवी बनाई गई है पूरी की पूरी प्लास्टिक की, और जो मेटल के टेबल टॉप स्टैंड आपको देखने मिल जाएंगे इस टीवी के। और बात कर ले यहाँ पे इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रोज से। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट ऐड करना चाहूँगा प्रोज में कि इस टीवी का डिस्प्ले पिक्चर क्वालिटी अच्छी होने वाली है इस टीवी की, जहाँ तक स्पेसिफिकेशन को देख के लग रहा है। लेकिन आज ही टीवी लॉन्च हुई है और अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है, मेरे पास रिव्यू यूनिट भी नहीं आया है जिससे मैं आपको बता सकूं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। लेकिन यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होने वाली है। और दूसरा पॉइंट होगा इस टीवी का कि यहाँ पे इसके जो लुक्स और डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया है, मेटल के टेबल टॉप स्टैंड देखने मिल जाएंगे। और बात कर ले अब टीवी के कुछ कॉन्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे मेजर कॉन इस टीवी का है इसका साउंड आउटपुट। यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट देते हैं, लेकिन इस टीवी में आपको 24 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिलेगा, तो ये एक मेजर कॉन है। और यहाँ पे आपको ऑडियो के लिए यहाँ पे Realme ने एक साउंड बार भी लॉन्च किया है। मुझे लगता है ये कॉस्ट कटिंग जानबूझ के एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की गई है जो जिसके वजह से आप टीवी के साथ साथ आप साउंड बार भी लो, तो ये एक मेजर पॉइंट है जो इस टीवी में मुझे लगा।
दूसरा पॉइंट होगा कि यहाँ पे जो 1.5 GB का रैम है वो भी बहुत ही कम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि आप गेम्स ऐप्स डाउनलोड करोगे तो स्पीड नहीं चलेगा, हैंग होना चालू हो जाएगी। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है, लेकिन डुअल बैंड वाईफाई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दिया गया है, लेकिन हम जब तक पर्सनली टेस्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको ये 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई दिया गया, क्योंकि स्पेसिफिकेशन को सिर्फ देख के यहाँ पे कुछ भी अजम्पशन नहीं किया जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने तोशिबा की टीवी को रिव्यू किया था और वहाँ पे स्पेसिफिकेशन को देख के मुझे लगा था कि इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई होगा, लेकिन जब मैंने उसको अनबॉक्स करके आपके सामने रिव्यू किया और हमें सामने निकल के आया कि उस टीवी में सिंगल बैंड वाईफाई ही है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस टीवी के बारे में। तो यही सारी डिटेल्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया जरूर करना, बेल आइकन दबाइए, सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।